हेलो हेलो एवरीवन। हाय। देखिए, संतसेना जी और हम गुलावट में हैं और इस जैसा फूलों की घाटी इतना सुंदर है जैसा हमने शायद पहली बार ही देखा है। हम लोग गाड़ियों पे इतना नहीं घूमे जितना साइकिल पे घूम चुके हैं। ब्यूटी आपको दिखाते हैं, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आइए मेरे साथ। यहाँ के लोकल ने बताया कि महीने भर या 15 दिन बाद ये घाटी पूरी तरह से फूलों से लद जाएगी। अभी फूल थोड़े कम हैं, लेट लेकिन बारिश इसकी हुई। सुंदरता वैसी की वैसी है। आप देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में देखें। आपको फ्रंट व्यू से थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ मैं। देखिए, देखिए, लोटस दिख रहे हैं, पौधे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट था, प्रतीक चौधरी, उसको फोन लगाया तो फोन उसका अनरीचेबल आ रहा है। वो शायद गुलावट का ही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलते हैं। देखिए, आपको लोटस मैं दिखाता हूँ थोड़ा और पास से। देखिए, इससे आगे आगे मैं नहीं जा सकता। आप लोग देख सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जुरासिक पार्क में आ चुके हैं। अब मैं कैमरा अपने साइड कर रहा हूँ। हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं इसको लाइव करने से, हालांकि बड़ा सीक्रेट प्लेस है, इसे यूँ आम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी आए। अब मैं बैक व्यू से थोड़ा सा और आपको एक बार डीप दिखाता हूँ। ये बेसिकली यशवंत सागर का बैकग्राउंड है, तो वो सारा जो वाटर है वो यहाँ पे लोटस की खेती में यूज होता है। अभी दिवाली में सब लक्ष्मी जी को लोटस चढ़ाएंगे, तब तक आई थिंक बहुत अच्छे से आ जाएगा। सी दैट, वाओ, व्हाट अ ऑसम प्लेस।